कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जुबानी जंग अब शुरू कर दी है और दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि डोटासरा जी गहलोत को जेल में चक्की चलानी पड़ेगी। तो वही डोटासरा ने पलटवार किया कि उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सकता है। ये सियासी अदावत की लड़ाई है, जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा खड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं। दोनों की सियासी लड़ाई तो जग जाहिर है, लेकिन अब ये सियासी लड़ाई सलाखों तक पहुंच गई है। मदन दिलावर लगातार कांग्रेस पर तीखे हमले कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी उन्हें लगातार चुनौती दे रही है। इस सियासी लड़ाई में जमकर आरोप प्रत्यारोप के तीखे तीर भी चलाए जा रहे हैं। पहले आप शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सुनिए, जिन्होंने डोटासरा पर इतना तीखा हमला बोला कि डोटासरा को अपना पक्ष भी रखना पड़ा और दिलावर पर पलटवार भी करना पड़ा। गोविंद सिंह डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी के लिए मैंने कहा कि लोगों ने जो परीक्षा होती है, कंपटीशन एग्जाम जिसको कहते हैं हम लोग, प्रतियोगी परीक्षा, उनके पेपर बेच दिए, लीक हो गए, करोड़ों रुपए कमाए, लीक नहीं हुए बेचे। राजीव गांधी स्टडी सर्कल में रखे गए जो कभी नहीं रखे जाते थे और उसकी चाबी भी चोरों को दे दी। मदन दिलावर का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुए बल्कि कांग्रेस के नेताओं ने पेपर बेचे थे। अब डोटासरा जेल जाने वाले हैं। मदन दिलावर ने जेल का पूरा नियम डोटासरा को समझा दिया। गोविंद सिंह डोटासरा जी, अशोक जी गहलोत साहब, आप जो कुछ खाना हो खा लो, पीना हो पी लो, थोड़े दिन बाद आपको जेल में खट्टी चलानी पड़ेगी, चक्की चलानी पड़ेगी, गिन करके आपको चार चार रोटी मिलेगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं मदन दिलावर के बयान पर डोटासरा ने उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दी थी, लेकिन इस बार डोटासरा ने बड़ा संयमित होकर मदन दिलावर पर हमला बोला है। डोटासरा ने कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। अगर ऐसे शिक्षा मंत्री हैं बीजेपी में, तो मैं समझता हूं कि अब शिक्षा का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है। मैं उन दोनों बयानों का मैंने मेरे वकील को दिया है, अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर अवमानना का केस भी, मानहानी का केस भी करेंगे और इनको चैलेंज करते हैं कि जो अपराधी है उनको पकड़ो। लेकिन ये क्या मदन दिलावर जी क्या एसओजी के हेड हैं? लोकसभा चुनाव के समय हो रही सियासी बयानबाजी ने मरुधरा की सियासत को भी गर्मा दिया है। अब दोनों तरफ के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। हालांकि पेपर लीक का मुद्दा तो पिछली सरकार में भी छाया रहा था, क्योंकि एक के बाद एक पेपर लगातार लीक होते रहे। वहीं बीजेपी लगातार पेपर माफियाओं को पकड़ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि ये बयानबाजी किसके लिए चुनावी फायदा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और सीआरपीएफ जीसी